हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो यहाँ पे रूम हो रहा है क्लीन, और अभी आज हमारी वेकेशंस के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, एक्चुअली आज का और कल का। परसों मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे पंजाब मोहाली। तो बस मैंने एक्चुअली बच्चों को छोड़ा था, तो वहाँ से किड्स क्लब से कॉल आया था मिशेल का कि गुगू का डाइपर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, एक्चुअली ओवरफ्लो हो गया है, तो आप उसको ले जाओ या चेंज कर दो। तो बस यहाँ पे मैं आई हूँ इन दोनों को लेने के लिए। और इनका ये रहता है ना यार, लेने आई हूँ, दोनों जाने के लिए रेडी नहीं है कि यहीं पे रहना है। एक्चुअली जो मिस शैल है वो बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करती है, बहुत, शी इज़ अ वेरी नाइस एंड लविंग गर्ल, और बहुत ध्यान रखती है बच्चों का। और इनसे मिलकर, इनसे बातें करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी आप लोगों के साथ इनको मिलवाऊंगी और शेयर करूंगी। एक्चुअली गुगू ने पी बहुत, प्रीतम कह रही थी कि आप गुगू को ले जाओ और मेरे को यहीं पे अभी खेलना है, पर गुगू जाने के लिए रेडी नहीं है। उसको जैसे ही मैं लेती थी रोने लग जाती थी। तो बस यहाँ पे इन्होंने मुझे भी 5-7 मिनट बिठा लिया, और मैंने यहाँ बैठ के मिशेल से यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा। और बस जल्दी से गुगू को लेके जाऊँगी ऊपर। और आज यहाँ पे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में आज होनी है, यहाँ पे बेकिंग की एक्टिविटी, और यहाँ पे आज मैम कह रही थी कोई भी बच्चा नहीं है, तो ओनली प्रिजलिन है। तो देखते हैं हम प्रिजलिन को, पॉसिबल हुआ तो एक बच्चे के लिए हम एक्टिविटी जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे जो शेफ़ है वो प्रिजलिन को करवा रहे हैं एक्टिविटी कपकेक पे, क्रीम्स एंड स्प्रिंकल्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है इवनिंग में बच्चों के लिए, यानी पॉट मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बेकिंग, कुकिंग एंड ऑल दैट। तो काफ़ी यहाँ पे बहुत, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि बच्चे भी आराम से अपना वेकेशन जो है वो इंजॉय करते हैं। तो प्रिजलिन यहाँ के लाए हो कपकेक्स, वाओ, किसने बनवाए? ये शेफ ने बनवाए हैं एक्टिविटी में, वाओ। ये सिर्फ क्रीम उन्होंने लगवाई है, मैंने खुद स्प्रिंकल्स बनाए हैं। अच्छा, क्रीम उन्होंने लगा दी और केक, शब ये केक साथ में थोड़ा सा हाथ दिया था, कपकेक्स उन्होंने दिए, क्रीम आपको हेल्प कर दी लगाने में, और आपने आगे से स्प्रिंकल्स लगा लिए। वाओ, खा के देखो, टेस्टी है। वन पापा के लिए भी रख देना, ठीक है? चलो जाओ सीट पे, गो, एंजॉय करो, मजा आ रहा है यहाँ पे तो, है ना? वो आ गई है रूम पे मम्मा के पास, और अभी पापा चले गए हैं स्विमिंग के लिए। मैं गुगू रूम पे है, पिज़्ज़ा किड्स क्लब में है। बस अभी लंच मंगाते हैं और करते हैं लंच। क्यों रोना आ रहा है? हाँ, अभी छोड़ाती दीदी हस्बैंड को, सारा दिन है वहाँ, छोड़ दो किड्स क्लब में, ये वहाँ इंजॉय करते हैं बच्चे। हाँ, क्यों क्राई कर रहे हो? हाँ, व्हाट हैपेंड? हेयर बैंड डालना है? पागल है तुम, बोली मार के देखती, वो बताएंगे देखो, वो कहेंगे हाउसकीपिंग आई है, डाइन है, क्या बोलेंगे, डाइन से आई हूँ, हाउसकीपिंग से आई हूँ। आज हम रात को यहाँ पर डिनर कर लेंगे रेस्टोरेंट में। गुगू चलो, हेलो, हाय कर दो दीदी को, हाय गुगू, हेलो कर दो। तो बस यहाँ पे एक्चुअली हम तीनों रेडी होकर रूम से बाहर आ गए हैं, भगत जस्ट अभी रेडी हो रहे हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो अभी बस कल का दिन रह गया, तो आज भगत कहते चल यार कहीं घूमने चलते हैं थोड़ा बहुत, तो शाम को 6 बजे के आसपास का टाइम है। और बस, और एक्चुअली जो हमारा ट्राइडेंट जो है वो जल महल के बिल्कुल सामने है, बट आफ्टर कोविड जल महल में एंट्री जो है वो बंद हो गई है, और बाहर भी बस बार बार अब जल महल के चारों तरफ बार बार वो वेंडर्स और स्ट्रीट मार्केट काइंड ऑफ लगा हुआ है, आप वहाँ वहाँ घूम सकते हो। तो वहाँ पे एक दिन भगत गए थे, वहाँ का क्राउड वगैरह हमें सही नहीं लगा, तो इसलिए हम बच्चों को लेके वहाँ पे नहीं गए। तो आज हम जा रहे हैं फोर्ट, कोई बहुत बड़ा किला है यहाँ पे आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पे, तो हम जा रहे हैं वो देखने। और बस हम रेडी होकर बाहर आ गए हैं, और हमारी गाड़ी आने वाली है पार्किंग से, और कहाँ जा रहे हैं और सारा फोर्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपके साथ करूँगी शेयर। तो ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। बाय बाय।